हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा रिक्वेस्ट रहता है प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आया हूँ, क्लास 7 मेंसुरेशन ट्री की क्वेश्चंस भी है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हटके है, आपको थोड़ा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आप देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ एक्रिलिक इज 34 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट 64 सर्कुलर बटन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर हैव बीन कट आउट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। क्वेश्चन कहा जा रहा है किस तरह से एक रेक्टेंगुलर सीट है, एक्रिलिक का है। अब इसमें से इस तरह से छोटा छोटा जो है नाइन टोटल कितना है आपका 64 बटन यहाँ से निकाल दिए गए। तो इसको जब निकालने के बाद कुछ पार्ट जो बचेगा, दैट इज रिमेनिंग पार्ट, उसका आपको एरिया निकालना है। आप इसको शॉर्टकट तरीका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं शॉर्टकट इसको बताने का कोशिश किया हूँ, आप देख लेंगे। लैंग्वेज आप लिखेंगे फॉर द सीट, आप लिखेंगे फॉर द सीट, फॉर द सीट आपके पास एल, एल इज 34 सेंटीमीटर, बी, बी इज 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर आप लिखेंगे सीधे सीधे जो है सो एरिया, इसका एरिया होगा एल इंटू बी, दैट इज 34 इंटू 24 एंड दैट इज वन मल्टीप्लाइड, ये आपका आएगा 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका पूरा सीट का एरिया निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे एक सिंगल बटन के बारे में। तो एक सिंगल बटन इस तरह से निकला है, वो 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। आप यहाँ लिखेंगे फोर ईच बटन, फॉर ईच बटन आपका डी डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज इसका रेडियस कितना निकलेगा, 3.5 बाय 2। इसको यदि आप यहाँ से हटाएंगे देन इट इज 10 होगा। तो आप यहाँ पे सॉरी ये 5 2 आर 10 5 7, दैट इज ये 7 बाई 4 सेंटीमीटर, ये आपका 7 बाई 4 सेंटीमीटर निकला। देयरफॉर आपका टोटल नंबर ऑफ बटन्स कितने हैं, 64। आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ईच बटन, यहाँ एक की बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ईच बटन दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दैट इज 7 बाई 4 स्क्वायर, दैट इज 7 बाई 4 इंटू 7 बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू आपका 22 बाई 7 इंटू 7 बाई 4 इंटू 7 बाई 4, ये आपका यहाँ पे हो गया 17 इज 17, 2 एंड 2 दैट इज 11, दैट इज ये 77 बाई 2 4 आर 8 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ 64, चूंकि टोटल कितना है 64 है, दैट इज एरिया ऑफ 64 सच बटन्स, इस तरह का यदि 64 बटन्स हो उसका एरिया होगा दैट इज 64 मल्टीप्लाइड बाय दैट ऑफ 1 77 बाई 8, दैट इज 8 8 64। आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, ये आएगा यहाँ पे दैट इज 6 1 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। आप सिंपली यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ, एरिया ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग सीट दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द टोटल सीट माइनस द एरिया ऑफ द बटन्स, दैट इज 8 1 6 माइनस 6 1 6, दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो मेरे ख्याल से आप इसको फाइनली समझ गए हैं, और यदि समझ गए तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।